जिला अस्पताल के प्रसूता भवन में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक प्रसूता को बिस्तर नसीब नहीं हुआ, जिससे प्रसव के लिए आई प्रसूता मालती कहार को जमीन पर पूरी रात बिताना पड़ी। 20 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रसूता को बेड नसीब नहीं हुआ, जिस पर वह आपत्ति जताते हुए इस बात का मीडिया के सामने रोष व्यक्त करते हुए विरोध किया, जिसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल प्रबंधन प्रसूता को महिला वार्ड में भर्ती कराया। वही इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार मेडिकल डॉक्टरों की ड्यूटी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। कल मैं आई 4 बजे एम्बुलेंस में, पीरा उठा तो क्या कहते हैं बोल रही थी कि, तो फिर मैडम चेक की और बोलती हैं कि अभी क्या कहते हैं आपको टाइम है, क्या कहते हैं टहलो आप, हो गए ऐसे बोली। आपको बिस्तर मिला कि नहीं मिला फिर? तो यही फिर मैं बच्ची को लेकर यही हूँ। बेड मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला है सर। आप जमीन में लेटी हो? यही पास रही मैं। पूरी रात यही रहे? बताइए जी। बोली है यही रहे पूरी रात। पूरी रात। क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है? भारती कहार। नहीं नहीं वो क्योंकि वहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज डे है और यहाँ की आज ओटी में है, वो मेडिकल कॉलेज के आज आप वेटरनिटी में देखेंगे कि इतनी भीड़ है। अभी जब मैंने सुबह राउंड लिया तो LSES वार्ड जहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, क्योंकि राउंड भी चल रहे हैं तीनों वार्डों में, ANC वार्ड, PNC वार्ड, लेबर रूम में लेबर हो रहे हैं, हर जगह डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कहीं उनको दिक्कत आई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के भी और यहाँ के भी, क्योंकि यहाँ के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर DK सिंह गायनेकोलॉजिस्ट, वो छुट्टी पे हैं, वो पूर्व से ही छुट्टी पे हैं 4-5 दिन की।